प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2021 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें होता है, व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट, अर्थात किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है, जन्म से, ज्ञान से अथवा अच्छे आचरण से। और जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, नेहरू गंगा को भारत की नदी क्यों कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों प्रश्नों को, क्योंकि 2021 की परीक्षा में इनका 90% आना तय है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता, गुड कंडक्ट अलोन डज केवल अच्छा आचरण ही ऐसा कर सकता है। हाउएवर लर्नेड मैन में भी एक ज्ञानी पुरुष तो ऐसा हो सकता है, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, फिर भी वह जब तक ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक कि वह अपनी बुरी आदतों को न छोड़ दे। इवन थाउ ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेद्स, चाहे उसने चारों वेदों का अध्ययन क्यों न किया हो, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक बुरी आदतों वाला व्यक्ति अर्थात बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीची श्रेणी में आता है। तो इस तरह से हम पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, नेहरू गंगा को भारत की नदी क्यों कहते हैं। तो आंसर में आपको लिख देना है, नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लव हर, नेहरू गंगा को भारत की नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत की जनता या भारत के लोग उसे प्रेम करते हैं, भारत के लोग गंगा से प्रेम करते हैं। हर रेशियल मेमोरीज होप्स एंड फियर्स सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्प एंड विक्टोरीज आर रिमार्केबल, उसकी शानदार यादें, होप्स माने आशाएं एंड फियर्स माने भय, सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्प माने विजय गीत एंड विक्टोरीज और उसकी जय, आर रिमार्केबल माने उल्लेखनीय है। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह युगों युगों से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक बनकर रही है। ईवर चेंजिंग ईवर फॉलोइंग एंड एट ईवर द सेम, हमेशा परिवर्तनशील और हमेशा बहती हुई, फिर भी हमेशा वैसी की वैसी ही। ही हैड लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन्स ब्लू, ही हैड लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन्स ब्लो, जिसके उपजाऊ और विशाल मैदानों से उन्होंने बहुत प्रेम किया है। सी इज ऑल्सो द पास्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इंडिया, वह प्राचीन भारत की एक गौरव बनकर रही है, एक गौरवशाली उसका इतिहास रहा है। तो इस तरह से आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख करके परीक्षा में 5 अंक तो निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।